सी का जो सीईटी का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो दो पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। नहीं, 56-57 अभी नहीं निकला है, 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्ज़ाम लेने की परमिशन जो पहले रुकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसके एग्ज़ाम ले सकते हैं। ग्रुप 57 और 56-57 का जो रिजल्ट वो भी पेंडिंग है, उसको लेकर भी क्या अभिप्राय है? दूसरा, ये जो बाकी ग्रुप्स के जो पेपर कराने की जो इजाज़त मिली है, क्या इनका भी रिजल्ट घोषित कर पाएंगे या हाईकोर्ट ने 56-57 की तरह ही शर्त लगा? नहीं नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल 56-57 का निर्णय कोर्ट करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गए, रिपीट क्वेश्चन का उन्होंने निर्णय करना है इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो पहले 57 हुआ था, 57 को रिपीट ही है नहीं, और संयोग ऐसा कि पहले 56 होना था बाद में 57 होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमको 56 वाली डेट उस 57 के बाद रखनी पड़ गई, तो पहले 57 हो गया फिर 56 हो गया, इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी इंटेंशन किसी की रही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 57 पहले हुआ है तो रिपीटेड तो 56 वाले माने जाएंगे। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आगे जितने टेस्ट होंगे उसके परिणाम पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। ये बैरियर हटने के बाद अब क्योंकि आपने वादा किया था 60,000 से अधिक रोजगार देने का, अब तक उसको अब चूँकि टाइम टेबल अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल बनाने के बाद सबको एक उचित अवसर उनका कम्युनिकेशन उनको देना, फिर उनका पेपर लेना, तो टाइम टेबल बनेगा, उस शेड्यूल के हिसाब से सब पेपर लेंगे और के तुरंत बाद, क्योंकि उसमें इंटरव्यू तो कोई है नहीं, जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाएगा रिजल्ट निकलता जाएगा और हम उनकी नियुक्तियाँ जो उनका वो कराते चले जाएंगे।